हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या लिया गया है कि 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + 4c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको क्या करना होता है कि जो फ्रॉम जो दिया था इसको 3a - 7b + 4c इसको पहले राइट करेंगे बच्चों, फिर इसके बाद से इसमें लाइक टर्म को देखेंगे कि लाइक टर्म कौन सा। जैसे बच्चों 5a है और 3a, ए लाइक टर्म हो गया, 7b है -7b, ए लाइक टर्म हो गया, -2c + 4c ए लाइक टर्म हो गया। तो इसको एक लाइक टर्म को एक तरफ हम लोग राइट लेते हैं, तो फर्स्ट होगा इसका सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन क्या होगा कि 5a + पहले 5 ही नहीं बच्चों, पहले ये लिखेंगे 3a - फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर 3a - 7b और +4c इसको राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5a + 7b - 2c। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3a और इसको -5a ले लेंगे, 3a और -7b + 4c माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5a, फिर माइनस में प्लस से करेंगे तो -7b होगा, फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2c होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a को और -5a को एक तरफ लेंगे, 3a - 5a - 7b और -7b और फिर इसमें भी -7b, तो -7b और +4c और +2c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a में से -5, जैसे बच्चों को बताए थे आपको कि 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों 5 है, 5 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस का साइन ग्रेटर तो है लेकिन माइनस में है, इसलिए इसका आंसर माइनस में ही आएगा, -5 में से +3 करेंगे तो इसका क्या होगा, 3 - 5 में 3 अगर -2a होगा, -7 7, जिसे -7 है और -7 है तो इसको ऐड करेंगे तो -14 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -14b हो जाएगा और +6c हो जाएगा, 4c और +2c। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि a - 2b - 3c फ्रॉम -2a + 5b - 4c। तो पहले बच्चों हम फ्रॉम वाले को राइट करेंगे तो -2a + 5b - 4c अब इसको राइट कर लेंगे, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, इसको राइट करेंगे a - 2b और -3c। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2a, बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2a + 5b - 4c और इसमें क्या करेंगे, -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a होता है और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2b, कल आपको मैंने बताया था, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, +3c हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि -2a और देखेंगे -a तो क्या हो जाएगा, -2a, एक तरफ लाइक टर्म को राइट कर ले रहे हैं, -a + 5b + 2b हो गया,
और माइनस फोर सी और प्लस थ्री सी, इसको जब साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए हो जाएगा, माइनस थ्री ए और फाइव बी और प्लस टू बी सेवन बी और माइनस फोर सी में से प्लस थ्री सी करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आप बच्चों आप इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लें और बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों अब थर्ड वाला हम बताएंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए सिक्स एक्स क्यूब है तो देखेंगे बच्चों सिक्स एक्स क्यूब है वाला एक्स क्यूब वाला ये राइट टर्म हो जाएगा। तो पहले हम इसको इधर का राइट करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर माइनस फाइव एक्स, फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस लगा ले लेंगे, अब इसके बाद से माइनस माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे सिक्स एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स क्यूब, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस सिक्स एक्स क्यूब होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस सेवन एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस फाइव एक्स और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना होगा कि लाइट टर्म वाले को एक तरफ ले लेंगे, तो अब देखेंगे इसमें लाइट टर्म कौन है, माइनस फाइव एक्स है तो देखेंगे यहां पर भी माइनस फाइव एक्स है तो एक तरफ लिख लेंगे माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर वाले को देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर है प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स स्क्वायर, तो सेवन एक्स स्क्वायर हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स क्यूब और माइनस सिक्स एक्स क्यूब ये हो गया। और प्लस फोर है और प्लस थ्री है तो फोर प्लस थ्री। तो अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम एसेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे, तो पहले कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, फोर और थ्री क्या हो जाएगा, सेवन सेवन हो जाएगा। माइनस फाइव और फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर थर्टीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से माइनस एट एक्स क्यूब और माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको आज थ्री क्वेश्चन बताया बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अरे बच्चों यदि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यदि आपको प्रॉब्लम आता है किसी भी चैप्टर का तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करें। मैं बच्चों आपको इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं सभी के मंगल में भविष्य कामना करता हूं, सभी लोग जीवन में प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बच्चों मैंने आर्यन एजुकेशन एप्लीकेशन को मेरे जरूर डाउनलोड करें, मैं उस पर क्लास नाइन से लेकर करके ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सोल्यूशन का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया हूँ बच्चों, मैथ का कोर्स प्रोवाइड किया हूँ। तो आप मेरे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं बच्चों आपको इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा। बच्चों आपको किसी भी सब्जेक्ट का भी और भी सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करें, मैं आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी हो। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई टू वीडियो।